Hi friends, welcome to VVP Education. Friends, mostly students think that mathematics is a boring subject. Why? Because they have fear of calculation. Maths में mostly students को क्या होता है कि calculation की वजह से या तो वो boring लगता है या तो वो hard लगता है. उसमें भी जब multiplication की बात आए तब तो बात ही मत पूछो, क्योंकि multiplication एक तो lengthy है, 2 digit 3 digit multiplication करो तो उनके जो प्रोसेस है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और एग्ज़ाम में वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाती है. करेक्ट फ्रेंड? लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए एक ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन 3 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हो. क्लियर फ्रेंड? अब वो ट्रिक्स क्या है एंड स्पेशली उसके स्टेप्स जो है वो आपको याद रखने होंगे. उसके स्टेप्स भी बहुत ईजी है. ओके फ्रेंड्स, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप उसका मिस ना कर सको. क्लियर? स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे एकदम इजी होगा. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट. बट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल VVP एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए जो पास वाला नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करेंगे 92, 99, उसके बीच में जो भी 2 digit नंबर है. क्लियर? यानी कि नियरेस्ट 100 जो नंबर है क्लियर, उसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे जिसमें नंबर्स किसके बीच में आएंगे, 90 एंड 99. क्लियर? सो फ्रेंड्स, सपोज सबसे पहले मैं ले रही हूँ नंबर 90 × 92. क्लियर? यहाँ पे मुझे क्या करना है, 90 एंड 92 का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो उसके लिए हमें जस्ट 3 स्टेप याद रखने हैं. क्लियर? सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो क्या होगा कि दोनों नंबर को हमें नियरेस्ट उसका जो टेंस या हंड्रेड्स या थाउजेंड्स है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि 90 एंड 92 है. क्लियर? तो उसके जो बाद जो नंबर आएगा जो कंप्लीट है वो होगा हमारा 100. क्लियर? सो 100 में से मुझे क्या करना है, 90 को माइनस करना है, एज वेल एज 100 में से मुझे क्या करना है, 92 को माइनस करना है. क्लियर? सो 100 माइनस 90, सो क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे, 10. क्लियर? 100 में से 90 को मैं माइनस करूँगी 10 एंड 100 माइनस 92 हमें आंसर मिलेगा 8. क्लियर? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप. उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 90 एंड 92 एज इट इज़ लिख देने हैं जो हमारे दो नंबर हैं. क्लियर? अब उसमें से हमें क्या बाद करना है, सो 90 उसमें से हमें बाद करना है ये 8 जो कि हमें कैसे मिला है, 100 माइनस 92 करके. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, 90 माइनस 8 एंड 92. क्लियर? उसमें से हमें माइनस करना है 10. अब ये दो है, या तो आप ये करो या तो आप ये करो, कोई भी कर सकते हो, सिर्फ दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, या तो 90 माइनस 8 करना है या तो 92 माइनस 10 करना है. क्लियर? दोनों में हमें आंसर क्या मिलेगा, सेम, दैट इज़ 82. क्लियर? तो हमारा जो ये नंबर है उसके मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट 2 digit नंबर होगी वो होगे हमारे 82. यानी कि ये दोनों में से कोई भी एक आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे एंड आपको जो आंसर मिलेगा वो. सो फर्स्ट 2 digit हमें यहाँ पे मिले हैं एंड थर्ड जो होगा वो होगा आपके जो दो सब्ट्रैक्शन के बाद नंबर्स मिले हैं 10 एंड 8, उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. क्लियर? सो 10 × 8 हमें आंसर मिलेगा 80. सो ये 80 जो है वो हमारे हो गए लास्ट 2 digits. क्लियर? दैट मीन्स वॉट कि आप 90 एंड 92 उसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 8280. क्लियर? अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है इसीलिए आपको थोड़ा लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है या प्रोसेस लेंथी है, लेकिन आप जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको ये एक एक अलग अलग स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर पाओगे. क्लियर? कैसे, देखो मैं दूसरा और एक एग्जाम्पल लेती हूँ. सपोज मेरे पास है 94 एंड 96. यहाँ पे हमारे पास 2 digits है, 94 एंड 96. क्लियर? अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें जस्ट क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था कि 100 में से दोनों नंबर को 1 by 1 हमें माइनस करना है. तो 100 में से 94 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 6 एंड 96. क्लियर? 100 में से 96 माइनस करूँगी तो मुझे मिलेगा 4.
क्लियर। 100 माइनस 96 हमें मिलेगा 4। अब हमें क्या करना है, या तो 94 में से 4 माइनस करना है या तो 96 में से 6 माइनस करना है। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, सॉरी फ्रेंड्स, 94 माइनस आप 4 करो या 96 माइनस आप 6 करो, आपको आंसर मिलेगा 90। क्लियर। सो आपका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हो गया 9090। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो 24। सो आपका आंसर 94 मल्टीप्लाई 96 क्या हो गया, 9024। क्लियर। सो इसमें हमें जस्ट क्या करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले तो दोनों नंबर को 100 में से माइनस करना है, उनके बाद आपको क्या करना है, दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर ले लो, उसको सेकंड नंबर का जो सब्ट्रैक्शन है उसमें से माइनस करना है। वो हो गया आपके आंसर के फर्स्ट 2 डिजिट, एंड आफ्टर दैट आपका जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर मिला है उनका मल्टीप्लीकेशन, वो होगा आपका लास्ट 2 डिजिट। क्लियर। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो नंबर्स लिए हैं वो 90 एंड 99, क्लियर, उसके बीच के नंबर है। लेकिन फ्रेंड, हमारे पास 2 डिजिट नंबर सिर्फ ये 2 तो नहीं है, या फिर इसके बीच वाले नंबर तो नहीं है। सपोज हमारे पास 32 एंड 44, या फिर 72 एंड 76, ऐसे कोई भी, यानी कि 10 एंड 99, उसके बीच वाले कोई भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे, करेक्ट। सो फ्रेंड्स देखो, सपोज मेरे पास नंबर है 24 एंड 12, ओके, इन दोनों का मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। अब आप इसको आगे के मेथड से करोगे तो क्या होगा, 100 माइनस 24, आफ्टर दैट 100 माइनस 12, एंड फिर उसका सब्ट्रैक्शन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सो इसके लिए एकदम इजी ट्रिक है, वो हमें याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एरो, उनके बाद क्रॉस एंड अगेन हॉरिजॉन्टल एरो। अब ये क्या है, ये साइन किसके लिए है, करेक्ट फ्रेंड। तो देखो, सबसे पहले है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि आपके जो दोनों नंबर के लास्ट डिजिट है 4 एंड 2, या फिर 2 एंड 4, उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 4 2 का आंसर मुझे मिलेगा 8। उसके बाद सेकंड साइन है हमारी क्रॉस की, दैट मीन्स वॉट कि यहाँ पे आपको क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन करना है, उनके बाद आपको क्या करना है, उनके आंसर को ऐड करना है। क्लियर। सो 2 2 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, हमें आंसर मिला 8। सो हमारा डिजिट यहाँ पे हो गया 8। एंड अगेन आपके पास एरो है, सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो दो डिजिट है उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सो 2 1 जा 2, सो 24 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 288। ओके फ्रेंड्स, अगेन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 72 मल्टीप्लाई 14। ओके, 72 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जस्ट क्या करना है, 4 2 जा 8, 7 4 जा 28 प्लस 2 1 जा 2, हमें आंसर मिला 30। अब 2 डिजिट नंबर मिला है तो हमें जस्ट क्या करना है, लास्ट डिजिट को आपको आंसर में रखना है, एंड उसका जो आगे का डिजिट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्लियर। एंड 7 1 जा 7, दैट मीन्स 10। सो हमारा आंसर क्या होगा, 1008। क्लियर। चलो एक और नंबर ले लेते हैं फ्रेंड्स, 36 मल्टीप्लाई 21। ओके, जस्ट 6 1 जा 6, आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 3 प्लस 12, दैट इज 15। सो 5 कैरी फॉरवर्ड होगा हमारा 1, एंड 3 2 जा 6, दैट इज 7। सो 756 उसका आंसर होगा, 36 एंड 21 का। सो इस ट्रिक में हमें जस्ट ये 3 साइंस याद रखनी है, वो क्या है कि आपको जो यहाँ पे 4 एंड 2 2 एंड 4, यहाँ पे 6 1 या 1 6, क्लियर, एंड यहाँ पे 2 4 एंड 4 2, उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद जो आपके पास 2 डिजिट है उसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, उनके आंसर को ऐड करना है। अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो कैरी फॉरवर्ड आगे में हमें कर देनी है, एंड वापस आपको क्या करना है, 2 एंड 1 है यहाँ पे, 3 एंड 2 है यहाँ पे, 7 एंड 1 है, दैट मीन्स आगे के जो डिजिट्स है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर कैरी फॉरवर्ड हुई है तो उसको वहाँ पे ऐड करना है। क्लियर फ्रेंड। सो ये थी हमारी, कोई भी आपके पास 2 डिजिट नंबर है उसको 3 सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई करना है, उसकी ट्रिक। ओके फ्रेंड्स, सो आपको ये ट्रिक कैसी लगी वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, एंड मेरी चैनल VVP एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।